वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबी जी। देखिए, हमारे पास एक थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूव सफिशियंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मतलब आपको थ्योरम है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है और थोड़ा ये आपको बड़ा भी होता है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने क्या किया था, इसका आपको जो है, आपको ये सफिशेंट कंडीशन है और इसका पहले वाला जो था आपको नेसेसरी कंडीशन, उस वाले को अपन क्या किए थे, सॉल्व किए थे, जो आपको क्या है, कुची रीमान थ्योरम भी, ये कुची रीमान इक्वेशन भी कहते हैं, उसे प्रूफ किए थे। आपको स्टेटमेंट, क्या चीज़ है ये स्टेटमेंट, ये कहता है द कंडीशंस सिंगल वैल्यूड फंक्शंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी। कहता है आपको कंटिन्यूअस होगा, वो सिंगल वैल्यूड होगा, किसका, ये फंक्शन का, जो आपको एनालिटिक है इन अ डोमेन, किस में, वो आपको डोमेन डी में। इफ द फोर पार्टिकल, बोलता है इसको चार पार्टिकल आपको डेरीवेटिव से, पार्टिकल पार्सियल 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 डेरीवेटिव्स, ओके, यू एक्स यू वाई वी एक्स, इसका मतलब है कि u का जो होगा आपको x में डिफरेंशिएशन, u का y में, फिर v का x में, ये चार आपको क्या है डेरिवेटिव है। और कहता है ये क्या है, आपको कंटिन्यूअस भी एंड सेटिस्फाइड भी करता है कुची रीमान इक्वेशन को, किसको, कुची रीमान इक्वेशन को, ठीक है, और किस पर, पॉइंट इन डी पे। देखिए अब इसका क्या करते हैं, अपन प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको लेना है यू बराबर यू इंटू एक्स और वाई, ओके, इसे आप इक्वेशन वन मान लीजिए। देखिए अब क्या आपको जो है, लेट मान लीजिए कि जो डेल यू जो है ना, वो स्मॉल चेंज हो रहा है इन यू, मतलब यू का क्या आपको स्मॉल चेंज है, और ये डेल एक्स का मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, डेल वाई का मतलब स्मॉल चेंज इन वाई, मतलब वाई में क्या हो रहा, छोटा सा चेंजिंग हो रहा है, क्या हो रहा आपको, छोटा सा चेंजिंग हो रहा है, इज अ डेल का मतलब ये चीज़। देखिए यहाँ पर आप क्या कर चुके, यू प्लस का डेल यू निकाल चुके, क्या चीज़, ये यू है और डेल यू निकाले, इसका क्या मतलब है, देखिए अपने पास तो u तो इस तरीके से था, और देखिए और यहाँ पर डेल यू की बात करें तो ये, देखिए हम आपको ये चीज़ समझाते हैं, अगर आपको u प्लस का डेल यू चाहिए तो देखिए आपको क्या कर रहे, इस u में स्मॉल चेंज कर रहे, क्या चीज़, डेल यू का मतलब क्या, स्मॉल चेंज हो रहा है, तो आप भी क्या करेंगे, जो u है x क्या है, x है ना, उसमें हम लोग स्मॉल चेंज कर देंगे, क्या चीज़, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज का मतलब डेल एक्स जोड़ दिया, ये y था ना, y में भी हमने क्या कर दिया, एक स्मॉल चेंज कर दिया, मतलब डेल y लगा दिया, बस ये मतलब है, ओके। आगे देखिए, आगे मैं इसमें बता दूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस का 3, क्या चीज़ आपको, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस का 3, अब देखिए 2 ये है और ये 1 है, 2 माइनस 1 ये वाला 2 माइनस 1, तो अब देखिए दो में से एक को घटाइए, तो दो में से एक को घटाने का क्या मतलब है कि ये आपका डेल यू निकल जाएगा यहाँ से, देखिए और ये आपका ये है, तो आप यू यू कैंसिल डेल यू, देखिए ये चीज़ है ना, ये आपका इक्वेशन 2 का पार्ट है, ये इक्वेशन 1 का है। अब देखिए मैं इसमें छोटा सा काम किया गया, देखिए ये चीज़ है, ये वाला पार्ट, ये तो सेम चीज़ रखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एंड ये वाले पार्ट को क्या किया गया, पहले आपको घटाया गया एंड आपको क्या किया गया, इसको जोड़ा गया, इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए आपको छोटा सा चीज़, ये चीज़ सिमिलरली, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ओके, ध्यान से देखिएगा, कम से कम इसको 5 मरतबा जरूर बनाए, ठीक है, काफ़ी बड़ा थ्योरम आता है ये, और एग्जाम में 7 नंबर में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, कितना नंबर में, 7 नंबर में। तो देखिए डेल यू बराबर में जो है ये आपको, देखिए ये आपको डेल यू इंटू ये यू वाई, अच्छा ये चीज़ क्या हुआ, तो मैं इसको छोटा सा चीज़ में आपको समझा देता हूँ, एक्चुअल में बात क्या हुआ, आप एक फार्मूला जानते हैं, ये चीज़ यू एक्स बराबर में लिमिट आपको एच टेंड्स टू जीरो, क्या चीज़, एच टेंड्स टू जीरो, आपको देखिए ये आपको यू आपको जो है एक्स प्लस का एच, और यहाँ पर अच्छा स्पेस नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से मिटाते, थोड़ा सा आपको यहाँ इस साइड में हम लिखते, देखिए ये आपको समझना आ, नहीं समझ में आएगा तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या आ चुका है, तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप यू एक्स बराबर में एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आपको यू एक्स प्लस का एच वाई और माइनस का यू एक्स वाई, क्या चीज़, यू एक्स वाई, और डिवाइडिंग में जो चलता है ये आपको एच चलता है, अगर इसका हम लोग लिमिट को हटाते हैं, मतलब ये लिमिट हट जाता है, तो आपको क्या होता है, ये आपको यू एक्स बराबर में अप्रोक्सीमेट का नाम सुने, अप्रोक्सीमेशन एक चैप्टर भी है 12th लेवल पे, तो देखिए आपको ये चीज़ है, ये चीज़ आपको लिखेंगे यू एक्स प्लस का एच, ये आपको वाई डैश है और यहाँ पर माइनस का यू एक्स वाई, तो इस तरीके से ये है यू एक्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ, ओके। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है ये चीज़ आपको एच, अगर एच को आप उठाकर इधर ले आते तो यू एक्स इंटू का एच हो जाएगा, ओके। तो देखिए आपको यहाँ पर से ये फार्मूला बन जाएगा एच इंटू का यू एक्स, एक्चुअल में बात क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए इस वाले पार्ट में आपको देखना है ना, ये वाले पार्ट में, तो आपको स्मॉल चेंज, मतलब आपको ये डेल यू है ना, मतलब क्या हो रहा है कि आपको, इसका मतलब है कि जो आपको पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है वाई में हो रहा है, तो वाई में चेंजिंग कर रहा है, यहाँ पर आपको एच में, देन आपको देखिए डेल यू डेल वाई
और देखिए ये आपको क्या है यू वाई, एक्चुअल में देखिए यू एक्स और ये क्रॉस गुना होगा तो एच, मतलब एच इन टू का यू एक्स बराबर में आप लिखेंगे ना ये वाला पार्ट, बिल्कुल ये वाला पार्ट आप लिखेंगे। हाँ तो आप देखिए एच इन टू का मतलब एच की जगह पर हमारा छोटा सा काम कर रहा है क्या चीज़ आपको डेल वाई, क्या चीज़ डेल वाई, और यू एक्स के जगह पर क्या काम कर रहा है ये यू वाई, और एक्स प्लस का डेल एक्स, और एक चीज़ है यहाँ पर एक वाई प्लस का थीटा आ चुका है, ये क्या है भाई थीटा क्यों एडिंग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो देखिए वाई ये अच्छा वाई प्लस का थीटा ये इंटू में डेल वाई लिखा हुआ है, क्या चीज़ में इंटू में, तो याद रखेंगे तो ये आपको वाई प्लस का थीटा इंटू का डेल वाई ये कहाँ से आया, देखिए एक थीटा लिया गया है ये आपको जो है थीटा का मतलब आपको देख लीजिए ये क्या आपको थीटा एक पॉजिटिव है और जब यहाँ पर एक थीटा डैश लिया गया, सिमिलरली यहाँ पर डेल एक्स के साथ भी वही काम किया गया, जैसे देखिए ना ये आपको जो है ना ये तो हो चुका है यहाँ ना यू एक्स प्लस का डेल एक्स वाई था, तो यहाँ पर आपको डेल एक्स में चेंज हो रहा है मतलब एक्स में चेंज हो रहा है, तो आपने इसको क्या लिखा गया यू एक्स लिखा गया और इसको क्या चीज डेल एक्स, किस में आपको एच कैसे काम कर रहा था एच में, यहाँ पर एच आता ना वैसा ही आपको यहाँ पर डेल एक्स में काम कर रहा है, और ये एक्स प्लस का ये जो थीटा डैश जो है ये आपको क्या है आपको ये वन से क्या है आपको छोटा है ओके। और ये आपको एक चीज एक चैप्टर भी पढ़ेंगे ट्वेल्थ लेवल पर, यहाँ पर भी आपको मीन क्या चीज मीन वैल्यू थ्योरम वहां पर भी मतलब आपको ऐसा चर्चा है, आप यहां पर एक अंडरस्टूड है ये आपको लेना, अगर नहीं लीजिएगा तो फिर सॉल्व आगे मुश्किल हो जाएगा ठीक है। तो देखिए आपको नाउ अब हम क्या करते हैं यू एक्स और यू वाई आर कंटिन्यूअस, क्या कर दिया अपन यू एक्स और यू वाई आर कंटिन्यूअस, अपन पहले भी यहां देख चुके हैं क्या चीज है यू एक्स और यू वाई ये क्या आपको कंटिन्यूअस है ना, ये कंटिन्यूअस बिल्कुल कंटिन्यूअस है, अगर एक चीज है और एक प्रॉपर्टीज भी अगर ये कंटिन्यूअस है मतलब जब ये कंटिन्यूअस होगा तो आप एक चीज़ जानते हैं, एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला दिखा देता हूँ, ये चीज़ है एफ ऑफ एक्स माइनस का एल का मॉडुलस ऑफ ये एप्सिलन से क्या होता है छोटा होता है, क्या चीज़ आपको एप्सिलन से ये क्या होता है आपको छोटा होता है, और ये देखिए अगर आप बात कर ले एक्स माइनस ए का ये क्या होता है आपको पॉजिटिव होता है और आपको ये आपको डेल्टा से छोटा होता है, ये स्मॉल डेल है स्मॉल वाला छोटा वाला डेल्टा नहीं होता वो। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है यू एक्स और यू वाई ये भी कंटिन्यूअस के ही कंडीशन में आता है, ये अगर यू एक्स और यू वाई कंटिन्यूअस है तो आप इसको लिखेंगे यू एक्स, और देखिए ये एक्स प्लस का थीटा डैश डेल ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, पहले हम जो है क्या किया गया एक्स वाले को लिखा गया, देखिए यू एक्स एक्स प्लस थीटा डैक्स ये आपको डेल एक्स और ये आपको वाई है ये आपको डैश है ओके, एंड यहाँ पर आपको जो है माइनस का यू, देखिए एल है ना एल मतलब एल एक छोटा सा चेंज एफ ऑफ एक्स में क्या हो रहा है आपको इसका डिफरेंस है एल मतलब इसका जो आपको ये एक्स है ना एक्स और वाई का क्या ये आपको डिफरेंस है आपको ये लिया गया ओके, और ये एप्सिलन से क्या है छोटा है, और वाई के साथ भी ऐसा ही किया गया ये आपका वाई वाला पार्ट है, इसके साथ भी एक्स प्लस का डेल एक्स वाई प्लस का थीटा इंटू डेल वाई था इसको भी लिखा गया, और इसमें आपको क्या किया इसका डिफरेंस एक्स माइनस का मतलब यू वाई के साथ, ये यू वाई है यू वाई के साथ एक्स और वाई का डिफरेंस लेंगे, ये एल के जैसा ही काम कर रहा है किसके जैसा एल के जैसा ओके, एंड इस ये भी एप्सिलन से क्या होगा छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर डेल एक्स क्या है आपको मोड ये बोल रहे आपको क्या डेल एक्स का जो मोड है वो आपको क्या है डेल्टा से छोटा है स्मॉल डेल से क्या है ये छोटा है, और यहाँ पर डेल वाई का भी वही कंडीशन है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो चुका बहुत अच्छी बात है, अब क्या किया गया इसको अपन आगे सिंप्लीफाई करने के लिए एक नाम दिया गया इस चीज को, देखिए ये वाले को पहले अल्फा ले लिया गया ये वाले पार्ट को अल्फा के बराबर मान लिया गया, और इस वाले पार्ट को बीटा के बराबर मान लिया गया, क्या मान लिया गया इसको अल्फा के बराबर में इसको बीटा के बराबर में मान लिया गया, आप इसको कम से कम 4 से 5 मरता नहीं बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है इसको समझना क्योंकि इसमें ओनली वन पूरा थ्योरी आ रहा है ओके, इसलिए आपको बहुत मरता बनाना पड़ेगा इसको। तो देखिए यहां पर अल्फा की बात कर ले अल्फा और बीटा ये क्या है आपको इसका मोड जो है आपको एप्सिलन से छोटा होगा और ये बीटा भी आपको वही है, देखिए ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है अपन ये काम कर लिया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 अच्छा इक्वेशन 3 कौन है आप तो देख लीजिए इक्वेशन 3 आपको ये 2 है अच्छा ये वाला इक्वेशन 3 है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर से ये वाला जो पार्ट है ना इसका वैल्यू आप डालेंगे देखिए और डेल यू निकालेंगे, देखिए कैसे इक्वेशन 3 ये वाला पार्ट है ना डेल यू बराबर में डेल वाई ये वैल्यू कहाँ से आ चुका है ये आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। मैं एक्चुअली में क्या किया कि देखिए यहाँ से लेकर ये बहुत अच्छी बात है ना आप इसको क्या कर दिया गया इस या इसका मान निकाला गया इसका मतलब इसको इधर भेजा गया वही है देखिए यू वाई एक्स वाई प्लस का अल्फा और ये वाला मान जो है निकाल के हमने इक्वेशन 3 में पुट किया देखिए है ना ये सेम मान है ना यहाँ पर पुट कर दिया और इसका भी मान निकाल के पुट कर दिया बीटा के साथ देखिए वही चीज़ें देख लीजिए ये बीटा के साथ क्या कर दिया गया पुट कर दिया गया
मतलब इसको अकेला करेंगे ना ये वाले पार्ट को, तो ये इधर जाके बीटा प्लस में बनेगा ना, ये प्लस में, तो वो चीज़ है। और ये डेल यू निकाल लिया गया, अब डेल यू निकाल लिए, अब डेल भी निकालेंगे सिमिलरली, फिर दोबारा इतना काम नहीं करेंगे भी के लिए, भी के लिए इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए डेल वाई, ये भी वाई है, क्या चीज़, भी वाई, ये y था y, यू वाई है, यू को चेंज कर दिया भी में, क्योंकि अपन भी का निकाल लें, वह यहाँ पर भी डेल एक्स ये रहेगा, ये u में था तो हमने भी में चेंज कर दिया, पूरा काम करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर एक अल्फा डैश और बीटा डैश लगाया गया, अल्फा डैश बीटा डैश। अल्फा डैश का मतलब देखिए, अल्फा का मतलब देखिए, अपन जो लेट किए थे, लेट किए थे ना, देखिए ना कहाँ ये चीज़ आपको, हाँ यहाँ पर लेट किए थे, तो यहाँ पर हम भी अल्फा डैश है ना, तो यहाँ पर भी के लिए काम करेगा, तो यहाँ पर भी वाई यूज करेंगे, यहाँ पर भी वाई यूज करेंगे, वही चीज़ें देख लीजिए है ना, यहाँ पे भी वाई ये, और नीचे वाले में जब बीटा का बात कर रहे तो वहाँ पर आपको था क्या चीज़ देख लीजिए, बीटा वाले में देखिए क्या था, यू एक्स था ना, तो यहाँ पर हम लोग भी एक्स का यूज करेंगे, यहाँ पर आपको भी एक्स का यूज करेंगे, वही चीज़ है। देखिए हमने बीटा डैश भी यहाँ से फाइंड कर लिया, ओके। तो अब देखिए नाउ अपने को चाहिए डी डब्ल्यू बट्टा में डी जेड, ये क्या है, देखिए अगर आपको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है ना, मतलब कर अगर इसको हम डिफरेंशिएबल प्रूफ कर देते हैं तो ये आपको एनालिटिक हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएबल आप प्रूफ कर देते हैं तो ये एनालिटिक हो जाएगा, यही आपको साबित करना है, ठीक है। तो देन देखिए मैं आपको क्या कर दूँ यहाँ पर कि डी ओ ए, ये आपको डेल्टा ओ ए डब्ल्यू है बट्टा में डेल्टा जेड। अब देखिए डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब आपको क्या चीज़, यू प्लस का आयोटा भी, और जेड का मतलब एक्स प्लस का आयोटा वाई, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा लगा हुआ तो इसको डेल्टा में चेंज करेंगे, डेल्टा यू आयोटा डेल्टा भी, इसको भी डेल्टा में चेंज करेंगे, डेल्टा एक्स आयोटा डेल्टा वाई। अब देखिए बराबर में क्या चक्कर है कि देखिए ये डेल्टा यू है ना, बिल्कुल डेल्टा यू है, ये आयोटा डेल्टा भी है, अपन क्या करेंगे ये डेल्टा यू का मान पुट करेंगे और डेल्टा भी का, डेल्टा यू निकाल चुके, देखिए ये डेल्टा यू है ये डेल्टा भी है, ये बड़ा बड़ा मान क्या कर दिया अपन यहाँ पे पुट कर दिए, देखिए ये टोटल डेल्टा यू का मान यहाँ तक है, और ये आपको क्या है डेल्टा भी, डेल्टा भी ये डेल्टा वाई लिखा हुआ है, ये भी वाई लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मान पुट कर दिया गया आयोटा से, यहाँ पर गुना कर दिया गया मान, यहाँ पर आयोटा से गुना नहीं होगा जब मान डेल्टा भी का पुट करिएगा, और नीचे वाला आपको सेम पार्ट है, ओके। एंड आप देखिए डेल्टा, ये आपको जो है डेल्टा ओमे डब्ल्यू बट्टा में डेल्टा जेड, ओमेगा नहीं, ये आपको डब्ल्यू लिखा हुआ, ओके। तो आप देखिए ये आपको डेल्टा वाई, आप गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना डेल्टा वाई, और इस वाले पार्ट को एक छोटा सा नाम दे देंगे, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसको देखिए वाई में चेंज कर रहा है तो इसको यू वाई, ये यू एक्स में चेंज कर रहा है इसको आपको यू एक्स, ये चीज़ वही चीज़ है, ये डेल्टा एक्स वही है। अब देखिए ये इससे भी तो गुना होगा वो ये चीज़ है, और ये इससे भी तो गुना होगा वो ये चीज़ है। अब देखिए आयोटा डेल्टा वाई लिखा हुआ ना, इसमें दिक्कत नहीं लेना, इसको हम क्या करेंगे भी में चेंज कर देंगे, तो भी वाई, और ये आयोटा डेल्टा वाई अल्फा डैश से मल्टीप्लाई, ये आपको भी एक्स में तो भी एक्स में चेंज कर देंगे यहाँ पे, ये वाला पार्ट है, ओके ओके बिल्कुल, और ये चीज़ें आपको यहाँ मल्टीप्लाई भी आएगा, और ये वाला पार्ट जो है इस बीटा के बीटा डैश के साथ भी तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये आपको ये चीज़ है, ओके। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ आपको मिटा देता हूँ, नहीं तो दिक्कत आपको हो सकता है। अब इस वाले पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा वाई यू वाई, मैं क्या कर दिया इसको गुना करके लिखा, डेल्टा वाई यू वाई अल्फा इंटू का डेल्टा वाई डेल एक्स यू एक्स, ये छोटा सा आपको क्या था आपको गुना करके अपन लिख दिया गया। अब देखिए मैं यहाँ से क्या बताऊँगा, ये तो डेल्टा डब्ल्यू बट्टा में डेल्टा जेड का तो मान निकाल लिया आप, ये आपको ये आप जानते हैं, ये आपको कूची मतलब कूची रीमान इक्वेशन को जानते हैं ना, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर क्या करना, ये इसको अगर एक्स में चेंज कर दीजिए, मतलब क्या वाई को एक्स में बना दीजिए या एक्स को वाई को बना दीजिए, एक्चुअल में यहाँ पर जो चेंज किया गया आपको वाई को, जैसे यू वाई था ना उसके जगह पर माइनस का भी एक्स पुट किया गया, एक्स वाले को चेंज नहीं किया गया, एक्स में सबको लाया गया, देखिए तो ये यू वाई ये डेल्टा वाई, ये आपको अल्फा इंटू डेल्टा वाई है तो अल्फा इंटू डेल्टा वाई, जहाँ पे यू वाई होगा वो चेंजिंग होगा, तो यहाँ पर देखिए एंड आपको सिमिलरली देना है, आपको यहाँ पर जहाँ पर आपको यू वाई होगा वहाँ पे अपन क्या कर दिया माइनस का भी एक्स आ गया, तो आपको यू वाई और आगे जगह है भी नहीं, तो ये आपको इतना ही रहने दीजिए। मैं अब क्या करूँगा यहाँ से यू एक्स वाले को इकट्ठा करूँगा, कॉमन लूँगा, अपन क्या कर देखिए माइनस वन का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस वन, समझिए ना, ये आपको क्या है आयोटा स्क्वायर है, क्योंकि देखिए अभी कॉमन लेंगे तो आयोटा के साथ यहाँ पर भी एक्स कॉमन लिया जा रहा है। यू एक्स वाला पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर यू एक्स है, यहाँ पे यू एक्स कॉमन ले लिया गया, भी एक्स वाला देखिए ये आयोटा के साथ कॉमन लिया गया, ये माइनस नहीं है, आयोटा स्क्वायर इज अ माइनस, माइनस वन इज अ आयोटा स्क्वायर, यहाँ से आयोटा भी एक्स कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर भी आपको आयो भी एक्स है तो यहाँ पर भी आयोटा के साथ आ चुका है। डेल वाई मतलब वाई वाले को आप कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको डेल वाई अल्फा है एंड आपको यहाँ पर आपको क्या आयोटा डेल वाई वाला ना, ये चीज़ है, ये चीज़ ये है डेल वाई, डेल वाई डेल वाई कॉमन एंड यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी, तो यहाँ पर यू एक्स होना चाहिए अल्फा डैश, अच्छा ये चीज़ है यहाँ एंड आपको जो है और भी कहीं पे है क्या,
अच्छा यहाँ तो ये यू एक्स वाला था ना, हम लोग यू ये तो पहले से कॉमन ले चुके थे। एंड आपको जो है आप डेल एक्स वाले को, डेल एक्स वाला कहाँ है, यहाँ पर भी डेल एक्स है और यहाँ पर भी डेल एक्स है। और नीचे आपको क्या चीज़ है, आपको ये आपको डेल्टा एक्स प्लस का आयोटा डेल्टा वाई, नीचे वाला सिमिलरली। अब इसको सेपरेट कर दिया गया, ये इसके डिवाइड में गया तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट से कैंसिल होगा ना। और यहाँ पर जो है, और ये आपको आयोटा भी एक्स इसलिए आ चुका है क्योंकि ये पार्ट जो है इसमें जाएगा, मतलब सेपरेट होगा तो कैंसिल होगा, तो आयोटा भी एक्स, और ये इसके डिवाइडिंग में और ये इसके डिवाइडिंग में, ओके। और इस वाले पार्ट को हमने इधर भेज दिया गया और ये आपको सिमिलरली है, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मॉडुलस लगाते हैं, टेकिंग मॉडुलस, क्या करना है, मॉडुलस लगा रहा है, मॉडुलस लगाएंगे तो देखिए क्या फ़ायदा अपने को मिलेगा। तो देखिए इन दोनों में मॉडुलस, देखिए मॉडुलस लगाने के बाद है, अगर आपको जो है ना ये आपको मॉडुलस में आ जाए और हमारा यहाँ पर से आपको क्या है, जब इसमें लिमिट लगा दे तो हमारा क्या होगा, डी डब्ल्यू बट्टा में डी जेड ऐसा बन जाए तो अपना काम बन जाएगा। और ये वाले पार्ट में भी मॉडुलस, ये वाले पार्ट में भी मॉडुलस, मॉडुलस से अलग अलग कर दिया। और ये आपको देखिए ना लेस देन है, ऐसा क्यों है भाई, ये लेस देन कैसे हो गया, यहाँ तो एक्चुअल में बराबर में था ना, बिल्कुल बराबर में था। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, जेड वन प्लस का जेड टू, अगर आपको ये बराबर में होता है, इनको हम क्या करते हैं अलग अलग, जब मोड लगाकर अलग अलग करते देन आपको यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या है आपको इक्वल टू है, ठीक है। और इक्वल टू हट के क्या हो चुका, आपको लेस देन इक्वल टू के हो जाता है, ठीक है ना, जब मोड लगाते हैं। और इसको जेड वन प्लस का ऐसे जेड टू अलग अलग, तो ये वाला चक्कर है यहाँ पर, ओके। बट यहाँ पे खतरनाक दिख रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, जेड वन हो या फिर ऐसा दिखे उससे मुश्किल नहीं है। तो आगे देखिए, अगर आपके पास ये लेस देन इक्वल टू है और ये वाले पार्ट में अपन का कर दिया गया, इस वाले में दोनों में मोड लगा हुआ ना, मोड नीचे भी लगा दिया गया और ऊपर वाले में भी मोड अलग कर दिया गया, नीचे भी और ऊपर भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर एक ब्रेकेट करके दिया गया, ये क्या भाई, ये डब्बा में पैक है। ये देखिए मैं आपको ये इसके बारे में छोटा सा चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास जो ये डेल्टा एक्स है ना, अच्छा ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एक्स है तो आप यहाँ पर जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको लेस देन इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस का आयोटा डेल्टा वाई, और वाई के लिए अपन ये लिखते हैं। और ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो होता है ना, उसका क्या होता है, आपको रियल पार्ट और उसका क्या होता है खुद के मॉडुलस से, मतलब जो खुद का क्या होता है उसके मॉडुलस से छोटा और आपको क्या होता है ये बराबर होता है। ये आपको छोटा सा क्या है, आपको प्रॉपर्टीज़ भी है। तो इसमें क्या है, ये आपको आयोटा डेल वाई लगा हुआ है, आयोटा डेल वाई लगा हुआ है। अब इससे अपना फ़ायदा ये होगा कि जैसे डेल एक्स है यहाँ पर देखिए, और डेल वाई, इसको आपको इसका मान जो है ना इसमें हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी लेस देन में है, यहाँ पर भी अपने को क्या है लेस देन में, तो अपने आसानी से काम कर सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है सेम यहाँ पर लिखा गया है। और ये देखिए अल्फा प्लस का ये चीज़ था ना, डेल वाई था, डेल वाई डेल्टा वाई था, और इसके जगह पर आपको ये इस्तेमाल किया गया। और देखिए ये एक्स वाला है ना, तो एक्स वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अब देखिए ये दोनों बराबर हो चुका है, मतलब एक्चुअली में बात कर लेना, ये आपको देखिए ऐसा हो चुका है, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्या चीज़ कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ना माइनस है ना प्लस है, फिर भी यहाँ पर लॉजिक क्या है, कैंसिल होने का। तो आपको ये लॉजिक याद रखना है कि क्या होगा, आपको ये दोनों आपको कैंसिल हो जाता है, ओके। अब देखिए इसमें आप ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, इनकी कहानी खत्म। आप एक चीज़ और जानते, आपको जो है अल्फा मॉडुलस, ये देखिए ये चीज जो है, वैसे आप पहले भी ये देख चुके हैं, देखिए आपको मैं बता दूं, आप देख चुके होंगे। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं यहां पर क्या होता है, अल्फा क्या होता है, आपको मोड लेस देन क्या होता है, आपको ये आपको एप्सिलॉन है, या फिर आपको ये, अच्छा ये तो ये भी आपको एप्सिलॉन से ही होगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर चुके हैं, ये सब देख चुके हैं। तो देखिए मैं आपको इसको एक साथ आपको दिखाऊं, तो इस तरीके से देखिए ये आपको क्या लेस देन इक्वल टू तो यूज होगा, अल्फा मोड यहाँ पर आयोटा अल्फा डैश। अब अल्फा डैश तो अब हमारे पास जो था, मतलब जो भी के लिए जो लिए थे नहीं, अल्फा डैश बीटा डैश वो चीज़ है, तो वो आयोटा के साथ उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ आपको प्लस का आयोटा अल्फा डैश, इसका भी मोड, इसका भी मोड एंड इसका भी मोड, आयोटा आयोटा और बीटा डैश का। अब देखिए अगर आप किसी चीज़ का मतलब आप मोड निकालते हैं तो इसमें आपको क्या होगा, अच्छा मोड का मतलब क्या, अगर आप जेड का भी मोड निकाले या फिर आपको ये क्या कहते हैं आयोटा आपको जेड जेड डैश का भी मोड निकाल, इसका भी क्या होता है आपको सेम ही होता है, मतलब सेम वैल्यू आता है। तो आपको यहाँ पर अल्फा, ये आपको अल्फा डैश एंड मोड आयोटा क्या होता है हट जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा और यहाँ से भी आयोटा गायब हो जाएगा। और एक्चुअल में हम लोग ये भी चीज़ देख चुके हैं, अल्फा का मोड आपको एप्सिलॉन से छोटा होता है, इसका मोड इससे छोटा होता है। तो देखिए अल्फा डैश का आपको ये इस एप्सिलॉन डैश से छोटा होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर दें, मतलब अल्फा जो है आपको ये एप्सिलॉन, ये अल्फा डैश इज एप्सिलॉन डैश, ये बीटा तो बीटा की जगह पर आपको क्या एप्सिलॉन, तो ये चीज़ें आपको ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आपको
क्या हो चुका है, आपको डेल w बट्टा में डेल z, ये चीज़ आपको, ये एप्सिलन, एप्सिलन टू एप्सिलन, ये आपको दो एप्सिलन बनेगा, एप्सिलन का डैश। आप एक चीज जानते हैं, एप्सिलन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, चाहे वो डैश में हो चाहे आपको डायरेक्ट एप्सिलन हो, दोनों में क्या, वो चीज आपको एक स्मॉल क्वांटिटी है अगर आप बात कर ले। और एक चीज आप यहां से ये भी जानते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस का एल, ऐसा मतलब ऐसा जानते हैं हम लोग। और ये क्या होता है कि आपको लेस देन एप्सिलन होता है ना। अब ये इसका क्या, आपको देखिए एफ ऑफ एक्स, आप अगर इस लिमिट की बात कर ले, इसका ये लिमिट होता है, जैसे लिमिट आपको यहाँ पर हम लोग लिमिट के साथ क्या लगा देते हैं, इसमें आपको जो लगता है एक्स आपको टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स और बराबर का क्या चीज़ हो जाता है, ये लिए। तो ये चीज़ है आपको, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, बिल्कुल हाँ। तो हम लोग यहाँ पर इसकी बात कर ले, अगर आपको ये, आपको देखिए एक फंक्शन है, ये आपको एक एल जैसा ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या किया गया, आपको लिमिट लगाया गया और डेल जेड टेंस टू जीरो, और ये देखिए ये आपको यू एक्स प्लस का आयोटा, यू एक्स प्लस का आयोटा भी एक्स, एक एल के बराबर होता है, यहाँ पर आपको वही लिया गया। ओके तो देखिए, और यहाँ पर जो है ये आपको था आपको लिमिट के साथ, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बट्टा में डी जेड, और ये यू एक्स प्लस का आयोटा भी एक्स। देखिए डब्ल्यू का मतलब आपको यू प्लस का आयोटा भी, इस डिफरेंशियबल क्या चीज़ आपको, ये डिफरेंशियबल है इन किस में, अपने वो डोमेन में। देन आपको यहाँ पर ओमेगा, ये डब्ल्यू इज एन एनालाइटिंग फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू क्या आपको एनालाइटिंग फंक्शन है, क्योंकि ये आपको डिफरेंशियबल, अगर ये डिफरेंशियबल है तो ये एनालाइटिक फंक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको क्या था, आपको प्रूफ करना था इस तरीके से। ये आपको 7 नंबर का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर दोनों एक साथ पूछे, नेसेसरी वाला और सफिशियंट वाला, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।